एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। हरिश्रम मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी एसोसिएशन, जो हमारी बीमे से संबद्ध संगठन है। आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के को दिया गया, जो उनके एसपी सिटी महोदय द्वारा उसको प्राप्त किया गया है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा जो जरूरी मांग है, जो सब बहुत पहले इसमें सहमति भी बनी थी कि पुरानी पेंशन बहाली हो, वेतन विसंगतियां हमारी दूर की जाए, वर्कचार्ट पे कार्यरत हमारे कर्मियों को रेगुलर किया जाए, जो संविदा पर व्यवस्था की गई है, बिचौलियों को समाप्त कर सीधा विभाग के माध्यम से न्यूनतम 25,000 उनको वेतन दिया जाए, और इधर जो ट्रांसफर हुए पिछली सरकार में, उसमें महिलाओं को और रिटायरमेंट के निकट बहुत से वृद्ध लोगों को इतनी दूर कर दिया गया, जिससे कि बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई, उनको उनसे विकल्प लिया जाए और निकट जनपदों में उनकी तैनाती की जाए। इस तरह की तमाम हमारी मांगे हैं। 62 साल भी कई प्रांतों ने, जहां जहां भाजपा सरकार है उन्होंने किया है, उस पर भी निर्णय का हम लोग अपेक्षा करते हैं इस सरकार से। और वेतन विसंगति जो एक सहमति बन गई थी, उस पर भी ये सातवें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आई, उस पर भी अभी ठीक से निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया जा रहा। अभी भी आपके दिए गए विज्ञापन पे कोई आश्वासन दिया गया? अभी इन्होंने, ये तो है ही है, जो एक परंपरा है, जिला प्रधानमंत्री को कवरिंग लगा के और जिलाधिकारी को इनके माध्यम से, डीएम और के माध्यम से हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को हमारे ज्ञापन को भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी बैठकें भी शासन स्तर पर जल्दी ही होंगी। अगर नहीं होंगी तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने प्रदेश के मिल करके एक यूको गार्डन में 30 तारीख को बीएमएस के बैनर तले, 30 अक्टूबर को राज्य कर्मचारी एसोसिएशन, अन्य भी हमारे जो श्रमिक हैं, संगठन हैं, चाहे निगम के हों चाहे राज्य कर्मचारी, हम लोग सब लोग एक रैली करेंगे और उसमें सरकार को बताएंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम और भी हड़ताल जैसे भी कदम उठाने के पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा हम लोगों ने।